एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं? एज दिस नेम सजेस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज एजेंट्स विच एक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे एक्ट करेंगे? दिस आइदर किल माइक्रोब्स और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। बेसिकली अगर किल करते हैं, टेक्निकली इट इज नोन एज माइक्रोबियल माइक्रोबिसाइडल। साइडल जैसे सुसाइड बना है, तो किल करना मतलब माइक्रोबिसाइडल। और अगर तो सिर्फ ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज माइक्रोबायोस्टेटिक। स्टेटिक मतलब ओनली ग्रोथ की प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। दीज आर क्लासिफाइड एज एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोस्टेटिक्स, सैनिटाइजर्स। वी विल डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन। नंबर वन इज एंटीसेप्टिक। एज दिस इमेज शोज, ये डेटोल हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर चोट लगती है तो वहां पर हम डेटोल लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। बेसिकली ये करता क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर एबल टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो ये किल करता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कैसे करेगा? इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी और डिस्ट्रॉइंग देम, स्पेशली बाय अप्लाइंग टू द लिविंग टिश्यूज। डेटोल हम हमेशा लिविंग टिश्यूज पे ही अप्लाई करते हैं, लाइक सरफेस ऑफ द स्किन, एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स ऑन वूंड्स। ओके, द ड्रग्स लाइक फिनोल, आयोडीन, बोरिक एसिड, सिट्रीमाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ द एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट। आई थिंक अभी ये सभी के घर में डिसइंफेक्टेंट भी अवेलेबल है, लाइक लाइजोल हो गया, हार्पिक हो गया, दीज ऑल आर डिसइंफेक्टेंट। तो बेसिकली ये किन के ऊपर अप्लाई करते हैं? इन एमिनेट ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम हमेशा डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं। तो बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स करते क्या हैं? दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने में काम आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। नेक्स्ट इज जर्मिसाइड्स। साइड्स का मतलब किल करना। तो दीज आर दो सब्सटेंसेस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली लाइक हम इसमें और भी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, लाइक बैक्टीरियसाइड जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, फंजीसाइड फंजाई के अगेंस्ट काम करता है, वीरोसाइड अगेंस्ट वायरस एटसेट्रा। नेक्स्ट इज बैक्टीरियाटिक्स। मैंने आपको स्टैटिक पहले भी बताया है, वो वाले सब्सटेंसेस इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, इनहिबिट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। दस बैक्टीरियोस्टेटिक्स और एजेंट्स डू नॉट किल, दे डू नॉट किल बट अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सिर्फ उसकी ग्रोथ को हैं, उसको आगे ग्रो नहीं करने देते। नेक्स्ट सैनिटाइजर्स। आजकल तो सभी कोरोना है, तो सभी बच्चे, एवरीवन, बच्चे, ओल्ड एज पीपल, यंगस्टर, सभी अभी सैनिटाइजर तो यूज कर ही रहे हैं। आप लोगों को पता ही है किस लिए यूज होता है, क्लीनिंग और वॉशिंग अवे द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लार्वा, म्यूकस एटसेट्रा। तो बेसिकली सर्फेसिस के लिए भी हम ये सैनिटाइजेशन यूज करते हैं। दीज आर द डिसइंफेक्टेंट दैट आर यूज टू मेंटेन जनरल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड विच आर ऑल्सो नोन एज सैनिटाइजर्स। नेक्स्ट इसका आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम लोग एंटी माइक्रोबियल एक्शन या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, उनका क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे? थ्री मैकेनिज्म। नंबर वन इज ऑक्सीडेशन, नंबर टू इज हेलोजिनेशन, नंबर थ्री इज प्रोटीन बाइंडिंग प्रेसिपिटेशन। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। नंबर वन इज ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। बेसिकली ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म में क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे ऑक्सीजन लिबरेटिंग कंपाउंड्स है, लाइक पोटेशियम पर मैग्नेट्स। ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं प्रोटीन्स की। किसके प्रोटीन्स की? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन होता है। प्रोटीन में मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, सल्फीहाइड्रिल ग्रुप है, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं।
और यू कैन से हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं एक्टिव फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। जो भी हमारे पास एक्टिव फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन्स में, ये उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ग्रोथ है या सर्वाइवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर सल्फी हाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट है प्रोटीन्स में विच इज वेरी एसेंशियल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, सल्फी हाइड्रिल ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो उससे बनेगा क्या, रिजल्टिंग इनटू ए फॉर्मेशन ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड। अगर SH ग्रुप लगा है तो S डबल बॉन्ड S बॉन्ड लग जाएगा उसकी जगह पे, तो दस दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज द ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन मैकेनिज्म। हैलोजिनेशन मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से बने होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज CONH, दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज, इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स और उनसे फिर बनते हैं प्रोटीन। तो क्या होता है हैलोजिनेशन मैकेनिज्म में कि इसमें हम लोग कोई भी, जैसे दीज एजेंट्स आर एबल टू लिबरेट क्लोरीन और हाइड्रोक्लोराइड और आयोडीन, मतलब ये सब एजेंट्स एबल होते हैं क्लोरीन हैलोजिनेशंस जितनी भी आती हैं उनको लिबरेट करने में। तो जब हैलोजिनेशन लिबरेट होगी तो क्या होगा कि जो पेप्टाइड लिंकेज है अगर उसी की क्लोरीनेशन हो गई तो डेफिनेटली वो डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अगर यही लिंकेज पे क्लोराइड आयन लग जाए एच को हटाकर तो क्या होगा, टोटली लिंकेज ब्रेक हो गई, तो जब लिंकेज ही ब्रेक होगी तो आगे ग्रो कैसे करेगा, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज के ऊपर ही ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ए प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एग्जाम्पल है बेसिकली ये स्किन के ऊपर अगर आप लगाते हैं कहीं पर भी कट्स पर ये प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। हाउ, पोलर ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पोलर ग्रुप हैं प्रोटीन के, वो बाइंड कर देते हैं मेटल आयंस के साथ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स चिलेट बनाता है लीडिंग टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन। दीज थ्री आर द मैकेनिज्म ऑफ antimicrobial agents. Number one is oxidation mechanism, number two is halogenation, number three is protein precipitation. Ideal characteristic for antimicrobial agents should be, it should possess antiseptic or germicide activity, it should have rapid onset of action. Rapid onset of action hona chahiye, jaise hi lagaye tabhi uska action ho jana chahiye start. It should not cause local cell damage. ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी भी वून पे लगाया है या किसी कट पे लगाया है आपने एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, तो क्या कर रहे हैं कि ये नहीं है कि आसपास के टिश्यूज को भी डैमेज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट जहां पर लगाया है सिर्फ वहां पर ही ये एक्ट करे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो ना करने दे। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद बॉडी डिफेंस, जो हमारा बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके साथ ये बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। It should show no systemic toxicity from topical applications. Toxicity नहीं show होनी चाहिए। These are some of the ideal characteristics of the antimicrobial agents. Next is one of the main antimicrobial agent we use these days is hydrogen peroxide. Chemical formula is H2O2. This is its method of preparation. Next is property. Properties है, it is colorless and odorless liquid having slightly acidic taste. It is strong oxidizing agent. मतलब ये क्या, कौन सा mechanism show करेगा? Oxidation mechanism show करेगा, जिसमें कि जो sulfhydryl group है वो change होकर disulfide form bond की formation हो जाएगी. Uses है, it is strong oxidizing agent and it gives nascent oxygen. It is used in cleaning cuts and wounds as it is antiseptic and germicide.
It is used as deodorant, also used in bleaching the hair. Effective antidote in phosphorus and cyanide.